अब खबरें विस्तार से। रोज नए नियम, नई व्यवस्था मरीज को राहत देने के लिए, लेकिन राहत की जगह परेशानी आ रही मरीज व परिजन के हिस्से में। देखिए रीवा दर्शन की रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल रीवा संजय गांधी अस्पताल की, जहां पर रोज कोई ना कोई नियम बनता है, टूटता है। ताजा मामला पैथोलॉजी लैब से जुड़ा हुआ सामने आया है। हम आपको बता दें, अस्पताल में पहले खून पेशाब जैसी जांचों के लिए वार्ड से परिजन अपने अपने मरीजों के सैंपल लेकर लैब में जाकर जांच रिपोर्ट हाथों हाथ या फिर लैब टेक्नीशियन के बताए समय पर लेकर संबंधित वार्ड और डॉक्टरों के पास जाकर दिखा देते थे, जिससे समय रहते मरीज को बेहतर उपचार मिल जाता था। कई गंभीर मामलों में इस प्रणाली से रोगी को बेहतर लाभ होता था। अब यह व्यवस्था बदल दी गई है। मरीज के संबंधित को अब यह रिपोर्ट हाथों हाथ नहीं दी जाती है, बल्कि सीधे वार्ड में पहुंचाने का दावा किया जाता है। अब इसे जानकारी का अभाव कहें या फिर कुछ और वजह खोज लें, मरीज के परिजन इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट का पता नहीं, डॉक्टर दवा लिखे तो किस आधार पर। पैथोलॉजी विभाग का फरमान ही सब कुछ, रिपोर्ट वार्ड में ही डॉक्टर को मिलेगी। वहीं मरीज के परिजन चाहते हैं उन्हें तत्काल रिपोर्ट मिले, जितना जल्दी हो वह रिपोर्ट डॉक्टरों तक लेकर जाएं और उचित दवा लिखवाकर अपने परिजनों को स्वस्थ करा अपने घर की ओर रवाना हो। लेकिन जब रिपोर्ट ही समय से नहीं मिलेगी तो डॉक्टर समय पर दवा नहीं लिखेगा। जब समय पर दवा नहीं तो मरीज समय पर ठीक नहीं होगा। जांच रिपोर्ट जब जांच लग जाती है 3:30-4 बजे के समथिंग, तो यहाँ से निकलवा के कंप्यूटर ऑपरेटर लेके जाता है CMO ऑफिस, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है वार्ड में, वार्ड के एडमिट वालों, एडमिट मरीजों की पहुँच जाती है वार्ड में रिपोर्ट। ये तो कितना टाइम लगता होगा इसमें? इसमें अब 4 बजे कंप्लीट होती है, 10 बजे जैसे अपन यहाँ 12 बजे तक कलेक्शन किए, उसके बाद 2:30-2:30 बजे तक सेंट्रीफ्यूज में लग जाता है, 4:30-5 बजे कम्प्लीट हो जाती है, उसके बाद मरीजों के पास पहुँच जाती है। IBD वाले सब कंप्यूटर में निकलवा लेते हैं, OPD वाले। अभी अभी कोई ऑर्डर निकला है कि वार्डों में ही इसकी जांच की रिपोर्ट पहुंचा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मरीज आते हैं 7 नंबर पूछते हैं, सर हमारी रिपोर्ट दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई रिपोर्ट तो आती नहीं है। मरीज यहाँ से भटकता हुआ फिर दोबारा उधर जाता है वार्ड में, डॉक्टर फिर दोबारा से भेज देता है नीचे कि जा करके कि जाइए 7 नंबर से रिपोर्ट लेके आइए। बार बार परेशान होता है, लेकिन इसका पता नहीं क्या है, समाधान इसका कुछ निकला नहीं है।